अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। क्या हाल है सबका? उम्मीद है सब ठीक होंगे, मज़ों में होंगे, खुश आमदीद है मेरे व्लॉग्स में आप सबका। उम्मीद है लास्ट वाला व्लॉग आप सबको अच्छा लगा होगा और ये पार्ट टू भी आप लोग साथ जो शेयर करूँ ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ये भी आप सब लोग को बहुत अच्छा लगेगा और इसे खूब ढेर सारा प्यार दीजिएगा। तो चले अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। अच्छा जनाब, अलहमदिल्ला से हम नॉर्वे पहुंच चुके हैं और यहाँ पे अच्छी खासी ठंड है, स्नो पड़ रही है और बारिश हो रही है। डेनमार्क के वेदर से बिल्कुल भी चेंज है, वहाँ पे गर्मी थी और यहाँ पे जो है ठंड है अच्छी खासी। तो हमें बिल्कुल भी चीज़ का आइडिया नहीं था, हम अपने साथ अम्ब्रेला वगैरह लेके आते हैं, रेन जैकेट्स लेके आते हैं। बहरहाल हमने हल्का फुल्का सा ब्रेकफास्ट कर लिया है और अब जो है ना बाहर चलते हैं, देखते हैं क्या सूरत हाल है। अच्छा जनाब, अच्छी खासी ठंड है, बारिश हो रही है, आते वक्त तो ज़्यादा ही बारिश थी, अब बारिश थोड़ी सी स्लो हो गई है और हमने घूम फिर लिया है वॉकिंग स्ट्रीट में थोड़ा सा और शॉपिंग सेंटर गए, वहाँ पे थोड़ा सा वो क्या कहते हैं एंजॉय वगैरह कर लिया है, बच्चों ने तो खूब अच्छी तरह से इंजॉय किया। उसके बाद जो है ना अब वापसी है क्रूज़ की तरफ। अच्छा, हमने वॉकिंग स्ट्रीट में अपने लिए शॉर्मा वगैरह और हलाल फूड ढूंढ रहे थे लेकिन हमें कोई हलाल फूड नहीं मिला यहाँ पे। फिर हम जो अपने साथ घर का फूड लेके आए थे ना, मैं यही सजेस्ट करूँगी जो भी ट्रैवलिंग करना चाहते हैं क्रूज़ में अपने साथ लाजमी हलाल फूड लेके आए घर से, क्योंकि जो रेस्टोरेंट क्रूज़ में है उसमें भी हलाल फूड अवेलेबल नहीं है और जो नॉर्वे जब हम आते हैं ना, जो आते हैं उनको आइडिया होता है, पहले आए होते हैं उनको पता है कहाँ कहाँ पे जो है ना शॉप्स हैं, कहाँ पे रेस्टोरेंट है। हम फर्स्ट टाइम आते हैं, हमें कोई आइडिया नहीं था, बारिश भी होती तो हमें कोई भी जो है ना हलाल रेस्टोरेंट वगैरह नहीं मिला। लेकिन अच्छा है कि मैं घर से फूड वगैरह लेके आई थी। बस हम वापसी आके हमने फिर लंच वगैरह कर लिया था और बच्चों को तो आप लोगों को पता ही, बच्चे एक जगह पर टिकने वाले नहीं है, उनको ये बस कभी एक फ्लोर पर जाते हो कभी दूसरे फ्लोर पर जाते। Thank you.
अच्छा, क्रूज डिपार्चर हो चुकी है और अब वापसी है कोपेनहेगन की तरफ। यही था नॉर्वे में थोड़ी देर, जो अगर ये वेदर अच्छा होता ना तो हम अच्छी तरह से इन्जॉय करते हैं, लेकिन बहरहाल इसके बावजूद भी जो है ना, हमने क्रूज़ में बहुत अच्छा इन्जॉय किया, हमें बहुत मज़ा आया। अच्छा, 7th फ्लोर पे गेम जोन एरिया है और यहाँ पे जितने भी आप लोग ये गेम्स देख रहे हैं ये चार्जेबल थे, पैसे दे के आप लोग जो है ना गेम खेल सकते हैं, कॉइन दे के। तो यहाँ पे भी बच्चे अच्छे खासे इन्जॉय कर लेते हैं और जो है ना गेम्स वगैरह खेल लेते हैं, और यहाँ से बाहर का व्यू भी बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत ज़बरदस्त किस्म का व्यू आ रहा था यहाँ से। अच्छा, क्रूज़ देखने में छोटा लगता है लेकिन इसमें पूरी की दुनिया आबाद होती है, हर एक चीज़ मौजूद होता है, रेस्टोरेंट्स, रूम्स, बार्स, हर एक चीज़। तो अब ये शाम का टाइम है और यहाँ पे अब जो है ना फिर एक गेम प्रोग्राम चलेगा और म्यूज़िक प्रोग्राम चलेगा, तो बस बच्चे यहाँ पे बैठ के ना अब इनके साथ जो है ना पार्टिसिपेट करेंगे, और ये बच्चे तकने वाले नहीं हैं, ये जो है ना रूम में जाने का नाम नहीं लेते, मैं इनको रूम में लेके जाती थी, ये वापस जो है ना, बस इनको पता था ना कि इनको पेपर दिया हुआ था कि इस टाइम पे ये शो होने वाला है, इस टाइम पे ये शो होने वाला है, ये या तो गेम जोन की तरफ चलते थे या तो जो है ना बबल जोन की तरफ, और या 10th फ्लोर पर जो है ये इधर आके जो है ना ये लोग इन्जॉय करते थे। अच्छा, अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताया करें। और यहाँ पे जो है ना मैंने थोड़ी बहुत जो है ना कुछ चीज़ें ली, और उसके बाद जो है ना मैंने कहा बस अब रूम में चलते हैं, मैं बहुत थक गई हूँ, और उसके बाद जो है ना कुछ नहीं, तो थोड़ा बहुत व्यू को इन्जॉय किया बाहर और उसके बाद हम रूम की तरफ चले गए थे। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। इंशाल्लाह मिलते हैं बहुत अच्छे वीडियो के साथ, और मुझे उम्मीद है कि ये व्लॉग आप लोग को बहुत पसंद आया होगा, मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना। ट्रिप बहुत ही अच्छा रहा, बहुत मज़ा आया, क्रूज़ में बच्चों ने बहुत इन्जॉय किया, नॉर्वे में जितना किया या नहीं किया लेकिन क्रूज़ में हमने बहुत इन्जॉय किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट डे हम कोपेनहेगन पहुँच जाएंगे, और फिर जो है ना यहाँ पर वीडियो का एंड करूँगी। अल्लाह हाफिज़, अपनी दुआओं में याद कीजिएगा।